हेलो गाइस, वेलकम टू वाइट नॉइज़ गेमिंग। और हम खेल रहे हैं विचर 3 वाइल्ड हंट, और हम हैं वजीमा के रॉयल पैलेस में, जो कि कैपिटल है टेमेरिया की। और यहाँ पे तो गेराल्ट की ऐश हो रखी है। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा के बाल भी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 7 थिंग्स दैट यू माइट हैव मिस्ड इन वजीमा, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आप गेम खेलते वक्त मिस कर दिए होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी पे चलते हैं डिटेल नंबर 1 पे, एडिशनल डायलॉग ऑप्शन। ब्लैक ब्लैक और ब्लैक। तो हमारी यहाँ पे क्वेस्ट चल रही होती है इंपीरियल ऑडियंस नाम की, और इस क्वेस्ट में हमें जा के बात करनी होती है एम्परर अमीर से, जो कि है एम्परर ऑफ निलगार्ड। तो उसके लिए भाई हमें ये बोलते हैं कि हम नहा धो लें और फिर अच्छे से कपड़े ढंगे पहन के तैयार हो जाए, क्योंकि भाई तलवार वलवार लेके तो जा नहीं सकते उस एम्परर के सामने। तो फिर ये लोग हमें कपड़े देते हैं, तो तीन चॉइसेस देते हैं। आप तीनों को भी लूट कर सकते हैं और बाद में कोई सी भी पहन सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ डायलॉग ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आप ऐसे ही जाके इससे बात करते हैं तो वो बोलता है, This might come as news to the gentleman, but a towel wrapped around one's waist is not fitting attire for an audience. The gentleman will kindly dress. और इसी के साथ अगर आप यहाँ से ऐसे एस्केप करने की कोशिश करते हैं तो आप नहीं कर सकते बिना कपड़े बदले। तो ये सब तो आप लोगों ने शायद ट्राई कर ही लिया होगा, पर इसके अलावा एक एडिशनल डायलॉग ऑप्शन आता है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो उस डायलॉग ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे ये केवल शर्ट डालनी है और बूट्स डालने हैं, और जाके फिर टॉवल के साथ ही उससे बात करनी है। I believe the gentleman's forgetting something. तो ये डिटेल मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि मतलब डेवलपर्स ने इतना डिटेल में इसको रखा है, और यहाँ पे एक एडिशनल डायलॉग रखा है जो कि काफ़ी लोग ऐसे नॉर्मल गेम प्ले में मिस कर जाते हैं। मैंने अपने सेकंड वॉक थ्रू में पता करा था। Black suits the gentleman. तो चलते हैं अपनी सेकंड डिटेल की तरफ, जो कि है श्री की पेंटिंग। तो जब आप एम्परर अमीर से बात करते हैं उनके रूम में, तो एम्परर अमीर बताता है कि उसको श्री की तलाश है और वो चाहता है कि हम श्री को ढूंढें। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए आपको वहाँ पे वो पीछे पेंटिंग दिखाई जाती है सीरी की, छोटे पर की, जिसमें वो बड़े गुस्से में लग रही है। तो इसका फन फैक्ट ये है कि बाद में जब आप डीएलसी इसका एक्सपेंशन खेले ब्लड एंड वाइन, तो उसमें आप सिटी ऑफ टूसेन में इस मर्चेंट से जाके ये पेंटिंग खरीद भी सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं डिटेल नंबर 3 की तरफ, यूनिवर्स पोर्टल। तो जब आप अमीर से बात कर लेते हैं तो उसके बाद अमीर बोलता है कि जाके यैनिफर से बात करो, तो वो बाकी की डिटेल्स हमें देगी। तो हम लोग जब यैनिफर से बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है सीरी के ट्रैक्स को वेलन में फॉलो करना एंड वेलन में उसके बारे में पूछताछ करना, और साथ ही यैनिफर जाएगी स्केलेगा। तो ये भी मुझे थोड़ा अपने सेकेंड वॉक थ्रू में ऐसे ही टाइम पास करते हुए मिला था। तो अगर आप इस पोर्टल में यैनिफर को ओवरटेक करके आगे जाके चले जाएं, तो आप स्केलेगा तो नहीं पहुँचते, लेकिन आप इसी पैलेस के बगल वाले रूम में पहुँच जाते हैं, और साथ में मिलता है आपको गेराल्ट का डायलॉग आई हेट पोर्टल्स। तो मूव करते हैं नंबर 4 की तरफ, जो कि है ग्वेन साइड क्वेस्ट। तो ये वाला मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा, बट कई सारे लोग जब मेन स्टोरी फॉलो करते हुए चले जाते हैं तो वो इसको मिस कर जाते हैं। लेकिन मैंने इसको इंक्लूड किया है दो रीज़न की वजह से, एक मैं आपको बाद में बताऊंगा। दूसरा रीज़न ये है कि ये ग्वेंट खेलने वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे आपको मिलेगा एक बंदा, और इससे अगर आप बात करते हैं तो आप इसे चैलेंज कर सकते हैं ग्वेंट के लिए। तो इस ग्वेंट चैलेंज के बाद आपको इसमें जीतने पर मिलता है फॉल्टेस का सीज मास्टर, जिसकी एबिलिटी होती है कि सीज कमांड यूनिट को डबल करने की। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आप मोस्टली डेक खेलेंगे नॉर्थन रेम्स की, और नॉर्थन रेम्स में सीज इज वेरी पावरफुल। तो चलते हैं डिटेल नंबर 5 की तरफ, जो कि है सीक्रेट हिडन रूम। तो मैंने इसी रीज़न की वजह से वो ग्वेंट साइड को उसको भी इंक्लूड करा था, क्योंकि हमारा अगला डिटेल हमें मिलेगा इसी जगह से, जब आप जिस बंदे से ग्वेंट खेलते हैं उसके साइड में। यहाँ पे अगर आप आगे चले जाएं और विचर सेंसेस का यूज़ करें तो आपको ये ट्रिगर टाइप का दिखेगा। तो इस ट्रिगर को एक्टिवेट करते ही आपका लेफ्ट साइड में एक सीक्रेट डोर खुलेगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि वो सीक्रेट डोर में और वो सीक्रेट रूम में आखिर में क्या रखा है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको ये छोटा सा बॉक्स, जिसके अंदर रखा है एक एनहेंस सैडल एंड एक ओल्ड लेटर। तो आप ये लेटर को पढ़ सकते हैं, और ये मैंने अपने फर्स्ट वॉक थ्रू में ही डिस्कवर किया था, लेकिन काफ़ी लोग इसको मिस कर जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी इंक्लूड करा जाए। तो इसी के साथ चलते हैं हमारी डिटेल नंबर 6 की तरफ,
जो कि है रेनोवेशन गोइंग ऑन इन दिस रॉयल पैलेस ऑफ वजीमा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको दिखेगा कई जगह पे इन लोगों के निल्फगार्डियन एम्बलम बने हुए हैं, निल्फगार्डियन कलर्स के, गोल्ड एंड ब्लैक। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे टेमेरियन लिलीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ये वर्कर्स। तो ये बेसिकली टेमेरिया की कैपिटल थी वजीमा, और ये टेमेरियन पैलेस था, लेकिन अब इसे ऑक्यूपाई कर लिया है निल्फगार्डियन ने, तो वो लोग इसको पूरा रेनोवेट करा रहे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे ये लोग ग्लासेस और इन सब को भी तोड़ के रेनोवेट कर रहे हैं। लेकिन आप नोटिस करेंगे कहीं कहीं पे टेमेरियन के जो सिंबल है वो आपको अभी भी दिख सकते हैं। और उसके साथ ही ये थ्रोन रूम का जो मेन थ्रोन है, तो उस पर आप देखेंगे कि अभी भी निल्फगार्डियन एम्परर अमीर यहाँ पे नहीं बैठ रहा है, बल्कि एक अपने अलग कमरे में बैठा हुआ है, एक अलग चेंबर लेके बैठा है। तो यहाँ पे नहीं बैठना चाहता क्योंकि अभी यहाँ पे स्टिल टेमेरियन लोगों बने हुए हैं, कई सारे टेमेरियन लिलीज हैं कई जगह पे, तो वो चाहता है कि सब रेनोवेट हो जाए, उसी के बाद वो इसको यूज़ करें। तो चलते हैं नंबर 7 की तरफ, जो कि है आउटसाइड द पैलेस ऑफ वजीमा। तो इस गेम में एक्चुअली में एक यहाँ पे बग कह सकते हैं, तो उसकी मदद से आप इस पैलेस के बाहर जा सकते हैं, और मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताने वाला हूँ जिससे आप इजीली पैलेस के बाहर पहुँच सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको ये लैडर पे चढ़ना है, और फिर आपको भागते हुए सामने वाली लेज पे जाना है। आपको जंप नहीं करना है, केवल भागते हुए अगर आप जाएंगे तो इजीली वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और उसके बाद फेस द वॉल, एंड वॉल को फेस करते हुए आप ऊपर जंप करेंगे तो आप ये इस वॉल प्लस लेज पे चढ़ जाएंगे, जिस पे आप इजीली आराम से वॉक कर सकते हैं। पर केयरफुल रहिएगा कि आप उसमें इस साइड पे ना गिर जाए, वरना आपकी हेल्थ भी जाएगी काफ़ी, और प्लस आप यहाँ पे अपनी हेल्थ रिजनरेट भी नहीं कर सकते हैं कुछ खा के। जैसे मेरे पास अंडे है लेकिन मैं खा नहीं सकता अंडे यहाँ पे, तो थोड़ा यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप ज़्यादा गिरे नहीं। और पहले से गेम सेव कर लीजिएगा ताकि आप लोड कर सकें दोबारा। तो वापस से मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ऊपर आप चढ़ने के बाद आप ट्राई करिए कि आप उस साइड पे गिरे, यहाँ पे जंप करके इधर साइड पे गिर जाएं। अगर तो मेरी यहाँ पे थोड़ी सी हेल्थ गई और हम मैं इजीली पहुँच गए हैं वजीमा पैलेस के बाहर। और यहाँ पे अगर आप थोड़ी दूरी पे भाग जाएं तो आप चाहें तो आप रोज को भी बुला सकते हैं ताकि आप आराम से इस यहाँ पे घूम सकें और तेज़ी से यहाँ जगह को एक्सप्लोर कर सकें। तो अब मैं यहाँ पे बुलाता हूँ रोज को, तो देखिए अब हम यहाँ पे रोज को बुला पा रहे हैं और रोज यहाँ पे आ गया है। और पीछे आपको दिखाई भी दे रहा है कि वजीमा का पैलेस है, जो कि थोड़ा आधा अधूरा टाइप का बिल्ट है। तो ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आना नहीं था लोगों को, मतलब लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं था कि आ पाएंगे, गेम को एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन एक बग के रहते हुए हम लोग यहाँ पहुँच गए। तो ये मैंने अभी रिसेंटली ट्राई आउट किया है, तो यानी ये गेम में अभी तक है, तो आप भी ट्राई आउट कर सकते हैं और इजीली यहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ पे बाहर ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, बस ऐसे ही पहाड़ और खाली मैदान टाइप का है। और अगर आप पैलेस को पास से जाके देखें तो आपको पैलेस के अंदर की चीज़ें तक बाहर से दिख जाएंगी, जैसे यहाँ पे वो सोल्जर्स खड़े और वो थ्रोन रूम और सारे कमरे यहीं से दिख जा रहे हैं, मतलब बाहर से ही इस पैलेस के। तो ये काफ़ी मज़ेदार होता है, मतलब ऐसी जगहों पर ढूंढना, खोजना और बाहर निकलना। तो ये एक्चुअली मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था इसके बारे में, तो मैंने कहा यार लाओ मैं भी ट्राई करके देख लेता हूँ और इसको इस वीडियो में इंक्लूड करता हूँ ताकि आप लोग भी इसको इजीली ट्राई कर सकें। Not so fast, Roach. लेकिन आपको यहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग तरह के बग्स मिलेंगे, जैसे वो शैडो दूर था और यहाँ पे स्लाइड कर सकते हैं घोड़े के साथ। और साथ ही आपको ये मिलेंगे कटे हुए आधे आधे पेड़ और हवा में उड़ती घास। और अगर आप बहुत ज़्यादा दूर निकल जाते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे फंस जाएंगे, तो यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो आप आइएगा यहाँ पे, तो यही इंटेंशन से आइएगा कि आप पहले गेम सेव कर लें, यहाँ पे आराम से घूमें मर रहे हैं, और बाद में अपना वो सेव गेम से वापस गेम कंटिन्यू करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए यही तक था। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको उनमें से कौन सी डिटेल्स सबसे अच्छी लगी और कौन सी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता थी और क्या नया पता चला। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सो लॉन्ग।